हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 5 की मैथ्स एनसीईआरटी। चैप्टर 1 है मछली उछली। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फजीला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरिन ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा करा देती है। तो यहाँ पे मछुआरिन का बैंक है, महिलाओं का बैंक है जो मछली बैंक है, इसमें जो फजीला है वो अध्यक्ष है, और जो हर एक जो लेडी है वो महीने का 25 रुपये बचाती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए बच्चों, आप देख सकते हैं। ये जो समूह है प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। एक महिला जो है महीने में 25 रुपए बचत करती है, और जो समूह है महिलाओं का वो 20 महिलाओं का है। तो 20 महिलाएं कितना बचत करेंगी, तो 25 गुणे 20 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपए। तो यानी कि एक महीने में जो महिलाएं हैं वो 500 रुपए की बचत करती हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे देखिए एक महीने की जो बचत है 20 महिलाओं की 500 रुपए है, तो 10 साल में कितना होगा। तो आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 10 साल और एक साल का जो 12 महीने और 500 रुपये, यहाँ पे मैंने तीनों को गुणा कर दिया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 गुणे 500 करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 5000 मिलेगा, और 5000 में जब 12 से गुणा करेंगे तो आपको टोटल जो अमाउंट है 60000 रुपये मिल जाएंगे। यानी 10 साल में जो कुल बचत होगी वो 60000 रुपये होगी। नेक्स्ट है अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्टे की नाव खरीदना चाहती है, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ओके, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने एक साल तक वापस दिए, वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। तो यहाँ पे ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये कर्ज लिया है और उसने 345 रुपये हर महीने दिया है, ठीक है, हर महीने एक साल तक वापस दिया है। तो यहाँ हमें बताना है कि ग्रेसी ने कितने बैंक को वापस पैसे किए हैं। इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ग्रेसी है वो हर महीने 345 रुपये दे रही है, ठीक है, और साल तक उसने एक साल तक ये रुपए दिए हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 345 गुणे 12 कर देंगे, यहाँ पर देखिए मैंने गुणा किया हुआ है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4140 रुपए हो जाएंगे टोटल। यानी उसने एक साल भर में कितने अमाउंट दे दिए हैं, 4140 रुपए दे दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए 345 गुणे 12 करेंगे, आपको 4140 रुपए मिल जाएंगे। देखिए 2 5 10 की जीरो राशि लगाए, 2 4 8 8 और 1 9 2 3 6, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक का पाड़ा पड़ेंगे, 1 5 5 1 4 4 और 1 3 3, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे दोनों का। यहाँ पे 9 और 5 कितने हो गए, 14 14 के 4 और फिर 1 हासिल लग जाएगा, 6 4 10 होते हैं, 10 और 1 11 11 के 1, फिर 1 और हासिल यहाँ पे 3 और 1 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी और उसकी बहन ने 21000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है इस तरीके से कि हर महीने इन्होंने कितने पैसे बैंक को वापस किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे महीने का पूछा गया है कि एक महीने में कितने रुपए दिए गए होंगे। साल का हमें बता दिया गया है 23520 रुपए दिए गए हैं, तो महीने उसने हर महीने कितने रुपए दिए हैं ये हमें पता करना। पिछले वाले सवाल में हम क्या दिया था कि एक महीने का दिया गया था और साल का पूछा था, इसमें साल का दे दिया गया है और महीने का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम जो टोटल अमाउंट है साल का 23520 रुपए है और एक महीने का पूछ रहा है, ठीक है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 से क्या कर देंगे, 23520 को भाग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे भाग किया गया है, 12, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट ले लीजिए, पहले 23 है, 12 के 12 12 दिन 24, ज़्यादा हो गया, हमें एक बार लेकर जाएंगे, 12 एक कम 12,
और यहाँ तीन में से दो गए एक और दो में से एक गए एक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाँच को नीचे ले आएंगे, 115 हो गए अब हमारे पास, तो 12 का जो पहाड़ा है, जो टेबल है, 9 बार पढ़ेंगे तो 108 आएगा, माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, दो को नीचे ले आएंगे तो 72 हो गए, तो 12×6 72 होता है, 72×72 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो रह गया, यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा 1960 रुपये वो हर महीने क्या कर रही थी, पेड कर रही थी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।